friends, subscribe the Ask Macnology channel and hit the bell icon to get all new updates about Ask Macnology's informative videos. ओके वो सब तो ठीक है, ये बताइए सिस्टम यूज कर लेते हो? यस सर, सिस्टम यूज कर लेते हैं। सिस्टम से मेरा मतलब है एक्सेल यूज कर लेते हो अच्छी तरह? नो सर, एक्सेल तो नहीं आता। एक्सेल नहीं आता, फिर क्या मतलब गेम खेलते हो? नहीं सर, पर आप ट्रेनिंग दोगे तो हम अच्छे से कर लेंगे। ट्रेनिंग? हमने कोई ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी खोल रखा है, हम तो आपको ट्रेनिंग देते रह जाएंगे। यू आर नॉट फिट फॉर आवर जॉब, यू विल गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आज टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी देखा होगा, मतलब जब भी हम अपनी चाइल्डहुड टाइम में सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरह सिस्टम चला लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब एवरीथिंग हम फैमिलियर होते हैं सिस्टम के साथ, बट हमने कभी भी प्रोफेशनली काम नहीं किया होता सिस्टम पे। तो जब हम प्रोफेशनली वर्क करने जाते हैं ऑफिसेज में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, अगर हमें एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जो मैंने फेस किया है और मैंने देखा है। जो मेरे दोस्त रूरल एरिया में रहते हैं या फिर जिनका टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रैक्शन नहीं हो पाता, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हुई है काफ़ी, और मुझे भी हुई थी स्टार्टिंग में। मतलब मैंने इधर से सीखा, उधर से सीखा, कभी अपने सीनियर से सीखा, पर हर किसी को तो अच्छे सीनियर्स नहीं मिल पाते हैं, तो काफ़ी मतलब हमारा एक ड्रॉबैक बन जाता है कि हमें सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, मतलब एक्सेल यूज़ करना नहीं आता। और एक्सेल आपको पता है मोस्टली, मतलब 80% काम इंडस्ट्रीज़ में एक्सेल पे होता है। तो इस वीडियो में हम मेन बात करेंगे एक्सेल की फॉर्मेटिंग की। मैं आपको बेसिक फॉर्मेटिंग बताऊंगा एक्सेल की, कि आप कैसे कैसे एक्सेल को इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसके टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सेल में, बट हाँ 4-5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक्सेल की विंडो खोल लीजिए, जैसे कि मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो अब ओपन हो रहा है एक्सेल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आप प्रीबिल्ट फॉर्मेट भी ले सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम ब्लैंक फॉर्मेट लेंगे। तो ये हमारी स्प्रेडशीट खुल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेल्स हैं, जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ ए और ये वन, तो ये ए वन सेल है, ये बी वन सेल है, ये सी वन सेल है, इससे नीचे आएंगे तो सी टू सेल हो जाएगा, इधर आएंगे तो ए टू सेल हो जाएगा। तो ये सारे सेल्स होते हैं दोस्तों, और ऊपर की तरफ जितने भी ए बी सी डी हैं, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, और 1, 2, 3 जितने भी हैं ये होते हैं हमारे रोज। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स देखे होंगे, जैसे कि आपने बिल्स के फॉर्मेट देखे होंगे, मार्कशीट्स देखे होंगे, हम कुछ भी इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट हम बना सकते हैं अपना इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे इसे यूज़ करना है। तो यहाँ से आप जैसे ये 1 और 2 के बीच में अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एरो मार्क बनाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ से आप अपनी रो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बड़ी हुई रो, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड साइज में आ जाएगी अपनी। ऐसे यहाँ से आप कॉलम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए कोई भी फॉर्मेट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी भी कंपनी के लिए कुछ एक टेबल बना रहे हैं, जस्ट अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, तो कोई भी हो गई एक फॉर्म हमारी ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो चलिए अब ये हमारी हेडिंग है, तो इसे मर्ज कर लेते हैं हम सेल्स को। मर्ज करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सी। जब भी आप कोई फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें, उससे पहले आप कोई भी फॉर्मेट बनाने से पहले आप उसका कंट्रोल पी दबा के प्रिंट प्रीव्यू ले लीजिए। ओके, फिर उसे बैक कर दीजिए। उससे हुआ क्या, आप यहाँ देख रहे हैं डॉटेड लाइन आ गई है, ये मार्जिन लाइन आ गई हमारी प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कि हमारा इतना पेज ये प्रिंट होगा, ये नीचे यहाँ पे 50 रोज तक। ओके, इससे क्या होगा, जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे अब तो हमें इसके अंडर ही फॉर्मेटिंग करनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सारा फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बट हमारी जो फॉर्मेटिंग बाहर चली जाती है इस रेंज से, तो प्रिंटिंग में हमें फिर बड़ी दिक्कत आती है। फिर हमें सेल्स को छोटा बड़ा करना पड़ता है, रोज को छोटा बड़ा करना पड़ता है, और सेट करके फिर प्रिंट निकालना पड़ता है। तो आप पहले से ही रेंज लेके चलिए, आपके सामने पहले टारगेट होगा कि आपको इसी के अंदर मेंटेन करना है। बाकी रिजिड नहीं है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है इसमें। बाकी फुल पेज सेटअप के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगा, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए अब आते हैं एक्सेल बेसिक पे। तो आपने ये हेडिंग बना दी है, अब इस सेल को आप मर्ज कर दीजिए, क्योंकि आपको और कुछ लिखना नहीं है ऊपर।
तो ये हमने मर्ज कर दिया, और इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और इस सेल पर क्लिक करके यहाँ पे ये जो ए लेटर्स हैं यहाँ से इसे साइज़ को बढ़ा लीजिए। ओके, छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा होगा। इसे बोल्ड कर सकते हैं आप। बोल्ड करने के लिए आप ये ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ कर्सर है यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इसे, ओके। और ऊपर इसके यहाँ पे फॉन्ट टाइप दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको यूज़ करना है डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपका मन है, ओके। तो हेडिंग हमारी बन चुकी है। इसके बाद अगर मैं कोई लोगो लगाना चाहता हूँ तो इंसर्ट कीजिए यहाँ से लोगो, ऊपर होम के साइड में इंसर्ट टैब पे यहाँ पे पिक्चर्स लिखा हुआ है, पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो जैसे डेस्कटॉप पे मैंने कुछ पिक्चर डाल रखी है, उसे मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। ये लोगो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, ये लोगो हमारा काफ़ी बड़ा आ गया। तो आप इसे यहाँ पे जैसे ये मार्जिन आ रहा है नीचे साइड में कोने में जैसे लाएंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसे छोटा कर सकते हैं। छोटा कर लीजिए क्योंकि हमें हेडिंग के साइड में लगाना है, तो ये मैंने छोटा कर लिया और इसे साइड में लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अब यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे नेम, आईडी नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट है। अगर आप इन्हें यूज नहीं करना चाहते, आपके पास ज़्यादा कॉलम हो गए हैं, तो आप एंड में यहाँ पे रिमार्क्स लिख दीजिए, ओके। और इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। कॉलम्स मर्ज करने के लिए यहाँ पे रैप टूल के नीचे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये मर्ज हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अगर आपका अलाइनमेंट साइड में करनी है तो इधर से साइड में कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। और हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर में कर लेते हैं, कि डबल क्लिक कीजिए इस पर, सेंटर में हो जाएगा सब कुछ। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी दबा के भी टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं ऊपर से, ओके। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिलीट की कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डिपार्टमेंट, हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। कॉपी भी कर सकते हैं आप सेल को, कंट्रोल सी कॉपी का है शॉर्टकट आपको पता ही होगा, और कंट्रोल एक्स कट का होता है, तो आप यहाँ से एड्रेस को कट कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। एड्रेस थोड़ा लंबा होता है, डिपार्टमेंट को आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे नहीं चाहिए तो एड्रेस थोड़ा लंबा होता है, तो यहाँ से आप पूरी इन तीनों को मर्ज कर सकते हैं, वही मर्ज एंड सेंटर करना है आपको, ओके। नेम थोड़ा हमारा बड़ा होता है, उसे कॉलम को खींच के आप बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं आप रिमार्क से बाहर चला गया ये, ओके। तो सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ओके। तो ये हमारा रेंज में आ गया। अब तो ऐसे ही आप फॉर्मेटिंग करिए, पहले प्रिंट प्रीव्यू ले लीजिए ताकि आप को बाद में पेज सेटअप ना करना पड़े। अब फॉर्मेट थोड़ा बहुत हमारा बन चुका है, पर अभी थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर्स देने पड़ेंगे। आपने देखेंगे ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये रोज और कॉलम को जो कट कर रही है, ये क्रॉस सेक्शनल लाइंस, ये लाइंस मतलब आप प्रिंट करेंगे तो तब नहीं आएंगी, ओके। ये सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो एड्रेस का सेल हमने मर्ज किया है, तो आप ये नीचे वाले सेल को भी तीनों को मर्ज कीजिए, क्योंकि ये हमें एक ही सेल चाहिए। और इसके कॉर्नर में आप जैसे लाएंगे ना, यहाँ पर प्लस बना आएगा ये, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दीजिए जितना भी आपको ये चाहिए एक सेल में, ओके। यहाँ पे मुझे इतना चाहिए। अब ये रिमार्क्स का कॉलम भी हमारा दो सेल से मर्ज होकर बना है, तो इसे भी आप मर्ज कर दीजिए नीचे, और इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए जितना भी चाहिए आपको। तो ऑलमोस्ट हमारा फॉर्मेट कुछ ना कुछ बन गया है। तो अभी थोड़ा फीका सा लग रहा है, तो हमें जो भी ये फॉर्मेट है वो टेबुलर फॉर्म में चाहिए, हमें टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर आप क्लिक कीजिए,
और राइट क्लिक करके नीचे सब सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक भी आपको चाहिए, जहाँ तक आपने मर्ज किया है। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉन्ट्स के ऊपर यहाँ पे एक ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉटम बॉर्डर। इसे आप एरो को जैसे नीचे क्लिक करेंगे इस पर तो ये नीचे एक हमारा थ्रेड खुल के आएगा, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जहाँ भी आपको बॉर्डर लगाना है वहाँ लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं वो अभी। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सही सा लग रहा है मुझे, अभी ऑल बॉर्डर कर दिया है। इसका मतलब हमने जहाँ जहाँ जैसे जैसे मर्ज करी थी सेल और जिस हिसाब से हमने टेबल्स बनाए थे वो सारे यहाँ पे। अगर हमें ये जो सीरियल नंबर के बाद 1, 2, 3 लिख दिया, ऐसे आप लिख दीजिए, 1, 2 ही लिख दीजिए, और उसके बाद 1 और 2 को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। एक साथ सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे लेके आइए अपने कर्सर को, और जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे आगे की जितनी भी गिनती है वो अपने आप लिख जाएगी इस पर। ओके फ्रेंड्स, और इसे आप कर दीजिए यहाँ पे सेंटर में। ओके, और फ्रेंड्स हमें जो ये रो है हमारी 1, 2, 3, 4, अगर हमें ये बड़ी चाहिए तो आप एक साथ 3 से लेके 20 तक इसे सिलेक्ट कीजिए लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद आप माउस से राइट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं मैनुअल एंटर करके। ये स्टैंडर्ड साइज होता है इसका 15, अगर आप इसे डबल करना चाहते हैं आप 30 लिखिए यहाँ पे और ओके कर दीजिए तो ये बड़ी हो जाएंगी, या फिर आप इन्हें सिलेक्ट करके पहले की तरह और ये 20 और 21 के बीच में जैसे ही लाएंगे तो लेफ्ट क्लिक करके आप अपने आप भी कर सकते हैं, आपको मैनुअल एंटर नहीं करना है। तो जैसे अब ये छोटा हो गया, इन्हें बड़ा करना है थोड़ा और, जैसे आप बड़ा करेंगे ऊपर देख सकते हैं गिनती लिखी आ रही है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट और राइट क्लिक करके ऑप्शन खोल के भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब अगर हमने कोई फॉर्मेट बनाया तो उस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मेटिंग है ये। और हाँ, जब भी आप सिस्टम यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट करने के बाद आप एक बार फाइल को सेव ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे और पावर कट हो गया तो हो सकता है आपका डाटा लॉस हो जाए, तो इसे पहले ही सेव कर लीजिए। आप जो भी नाम आपको देना है उस नाम से आप सेव कर लीजिए इसे। ओके, और जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है यहाँ से फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर लीजिए इसे, क्योंकि सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो हमारा सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और जब भी आप काम करते हैं तो बीच बीच में 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सेव कर लीजिए ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसमें और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू शीट आपको कुछ और बनाना है, कुछ और डाटा बना सकते हैं आप, एक और शीट ऐड कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट शीट के ही फॉर्मेट में कुछ और एंट्रीज डालनी है तो आप फर्स्ट शीट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मूव और कॉपी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएट ए कॉपी, तो क्रिएट कॉपी करके आप ओके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉपी बन के आ गई है यहाँ पे Sheet 1 (2) के नाम से। ओके, इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये रीनेम कर सकते हैं आप इसे, कुछ भी इसे आप लिख सकते हैं, शीट को नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद। ओके, और जैसे मैंने बताया आपको कि कॉपी कर सकते हैं ऐसे शीट को, आपको अगर ये कॉपी किसी और एक्सेल फाइल में चाहिए तो आप मूव और क्रिएट कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से न्यू बुक में भी इसे ले जा सकते हैं, फिर आपकी ये नई फाइल बन जाएगी जिसे आपको किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं आप। इधर जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंडो खुल चुकी है, नीचे आप देख सकते हैं 2 एक्सेल की फाइल होगी हमारी अलग अलग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जैसे लिखा कोई भी नाम, ए, नीचे बी, सी, डी, के उनकी आईडी नंबर हो गया 1, 2, 3, 9, एनीथिंग, उसके बाद एड्रेस जो भी हमने डाल दिया कुछ भी, ठीक है, डिपार्टमेंट डाल दिया हमने यहाँ पे, प्रोडक्शन, क्वालिटी। अब आपको लगता है नीचे सी वाले का भी डिपार्टमेंट सेम है तो आप यहीं से प्लस कर सकते हैं, नीचे कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आपको अब लगता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डी वाले का भी है तो आप प्रोडक्शन पे जाइए, कंट्रोल सी कीजिए और डी के सामने आइए और कंट्रोल बी करिए, तो यहाँ पे
कॉपी हो जाएगा। आप कितनी बार भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कितनी बार भी कहीं भी दबाएंगे वो कॉपी होता रहेगा, जब तक आप कंट्रोल एस नहीं दबाते या फिर स्केप नहीं दबाते हैं। ओके ठीक है, रैप टूल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। जस्ट सपोज हमने कोई डाटा यहाँ पे बना, कुछ भी हमने लाइन लिखी, ओके आई लव माय इंडिया, ओके इंडिया इज द बेस्ट। आप देख सकते हैं ये मतलब सेल के बाहर चला गया और ये कट गया, आप दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर रैप टूल का यूज़ कर सकते हैं। रैप टूल क्या करेगा, इसे देखो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देके बता रखा आपको कि कैसे रैप टूल काम करता है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा सेट हो जाएगा इसमें सेल में, ओके। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ इसमें मैं रैप करने वाली, जैसे आपने कुछ भी लिखा यहाँ पे एस टी एम, अब आप किसी सेल में उसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं और अगर आप एंटर मारेंगे तो आप नेक्स्ट सेल पे चले जाते हैं, बट आपको इसी में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाइए डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं या फिर सेल पे क्लिक करके आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं एफएक्स फंक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे जाके भी आप एडिट कर सकते हैं या फिर वही जो मैंने बताया था F2 दबा के भी इसे एडिट कर सकते हैं। तो आप F2 दबाइए, अंदर चले गए, अब आप ऑल्ट दबा के एंटर दबाइए, जैसे आप ऑल्ट दबा के एंटर दबाएंगे तो उसी सेल में वो नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं एक ही सेल में हमने लिख दिया विदाउट यूज ऑफ रैप टूल। ओके जैसे ये हमारा है, इसमें मुझे वर्टिकल लिखना है तो मैंने वर्टिकल कर दिया, तो आप देख सकते हैं वर्टिकल वर्टिकली लिखा आ रहा है। ओके अभी पूरा नहीं दिख रहा है, सेल को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लिखा आ रहा है। ओके कंट्रोल जेड कर देंगे तो अंडू हो जाता है। ओके और कर दीजिए कंट्रोल जेड एक और बार, पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल वाई कर देंगे तो रीडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड कर देंगे तो अंडू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, इन्हें थोड़ा याद रखिए आप और धीरे सीख जाएंगे। और कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं जो हमें एंटर करने होते हैं, जैसे डॉलर का सिंबल या फिर कुछ और, तो आप होम के साइड में यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आप सिंबल्स लिखा आता है, तो आप सिंबल्स पे इसे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे करेक्टर्स आ जाएंगे, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे ये हमारा डाया का साइन है, यूरो का साइन है, ये प्लस माइनस क्रॉस सब कुछ, ये आप कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हमें स्पेशल करेक्टर्स को ले सकते हैं, ओके और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड में तो होते नहीं है तो हमें स्पेशल करेक्टर सिंबल्स में से इंसर्ट करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे 2 और 3 के बीच में हमें कोई रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप करिए इंसर्ट रो, तो यहाँ पे आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके और ये आपकी ऐसी हुई है तो इसे आप मर्ज कर लीजिए, येलो आपको नहीं चाहिए तो आप वाइट कर दीजिए इसे फिल, या फिर नीचे कर दीजिए नो फिल, उसके बाद इसे भी आप मर्ज कर लीजिए। और कोई भी एंट्री आपको यहाँ पे डालनी है तो आप उसे एंटर कर लीजिए। ऐसे आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और ऐसे आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद इंसर्ट करिए, तो आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप जो उसमें डालना चाहते हैं जो मर्जी डाल लीजिए। तो लास्ट में आपको एक और टूल बता देता हूँ उसमें फॉर्मेटिंग में जो बहुत आपके काम आएगा, वो ये है दोस्तों। जैसे अपने देखो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हमें एडिट करने पड़ते हैं, पहले से बने हुए मिलते हैं तो कुछ हमें चेंज करना होता है उसमें, बट टेक्स्ट इधर उधर होते हैं या फिर कुछ और फॉर्मेट होता है उनका, तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। जैसे हमें एड्रेस जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में नीचे की चीज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एड्रेस वाली सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कट कॉपी के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक कीजिए और जिस भी सेल को इसकी तरह आपको बनाना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब तो ये उसी सेल की तरह हो जाएगा, उसी की तरह सेट हो जाएगा और उसी की तरह इसका टेक्स्ट हो जाएगा, सब कुछ उसी की तरह हो जाएगा, तो फॉर्मेट प्रिंट हो गया इसका। ओके तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब था बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दीजिए कॉलम्स को।
मर्ज करने के लिए यहाँ पे रैप टू के नीचे मर्ज लिखा हुआ है। ओके वेरी गुड, वो सब तो ठीक है। ये बताइए एक्सेल यूज कर लेते हो? एक्सेल यस सर, एक्सेल यूज कर लेते हैं। ओह ग्रेट, यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर जॉब। कांग्रेचुलेशंस, आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं।